आज पृथ्वी को समतल करके पृथ्वी ने बीजों को बोया, पृथ्वी को समतल करके जोर लगा करके हल चलाया तो बीज उत्पन्न हो जाते हैं, सात धान्य, बड़ा ही आनंद हो गया। परीक्षित पृथ्वी के प्रताप से दूध और दही की वहां बाढ़ आ गई, निर्मल जल बहने लगा। नरप उन अश्वमेघ सतकीने अज सुरादि भरो अर उन बहुदीने। आज महाराज पृथ्वी ने कहते हैं 99 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, और अश्वमेघ यज्ञ करते हैं ना प्रिय बंधु, सवा अश्वमेघ करने जा रहा था तो अश्व माने घोड़ा, एक घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरी सृष्टि में घुमाया जाता है, सभी रजवाड़े में वो घोड़ा जाता है, अगर उस घोड़े को कोई पकड़ ले तो उसके साथ युद्ध करना होता है और उस राजा को उसको हरा करके फिर घोड़ा आगे छोड़ना होता है। अगर उस राजा से हार जाए तो यज्ञ नहीं करने देता वो, फिर उसको अधीनता स्वीकार करनी होती है, घोड़ा वो रख लेता है। तो इसलिए भैया ऐसा राजा पृथ्वी ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, 99 यज्ञ हुए। कहते हैं विजयदास नाम का एक बेटा था पृथु का, और पिताजी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेघ जो अश्व पूजा मंडप में खड़ा था पूजा करने के लिए, और कहते हैं इतने में इंद्र को चिंता होती है कि पृथु के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरे इंद्रास्त्र को ले लेगा, इंद्र पद को प्राप्त कर लेगा, तो ऐसा करता हूँ घोड़े को ही चुरा लेता हूँ। और कहते हैं घोड़ा चुरा करके ले जाता है। आज इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। विजयतास नाम का पृथु का जो बेटा था वो पीछा करता है इंद्र का, इंद्र तरह तरह की माया चला करके छिप जाता है। पृथु महाराज के हम इसे नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, अभी लेके आते हैं, हम उसे मार भी देंगे, मार भी देंगे। ब्राह्मण कहे महाराज पृथु ने कहा मैं मारूंगा इंद्र को। वहां ब्राह्मण पूजा करा रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, आप मेरे यजमान हो, आप यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ में भंग हो जाता है, इसलिए बिल्कुल शांत हो जाओ, हम के ऊपर विश्वास करो, हम आपकी चिंता को हरण करेंगे, आप शांत रहो, बिल्कुल एकदम आनंद से रहो, क्रोध बिल्कुल ना करो, हंस हंस की कथा सुनो। और महाराज ऐसा कहा तो पृथु कहे तो क्या करोगे कि अभी करते हैं। और ब्राह्मणों ने क्या किया, अपना गुरु का स्मरण करके माँ शारदा का ऐसा वेद मंत्र बोला कि हम इंद्र को वहीं भस्म कर देंगे, और स्वाहा स्वाहा जैसे ही यज्ञ के अंदर आहुति देने लगे तो भगवान वहां नारायण स्वयं प्रकट हो गए। नारायण प्रकट होकर के या इंद्र और घोड़े सहित प्रकट हुए और ब्राह्मणों से कहा हे ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो, दया करो, आप ब्राह्मण हो, आप इंद्र को मारना चाहते हो, ये लो इंद्र, ये लो घोड़ा, और हे प्रतु मैं तेरे 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हूँ, मैं तुझ जो मांगेगा दे दूंगा। 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हो गए। अब भगवान श्री हरि इंद्र को साथ लेकर के प्रकट हुए, देखते ही देखते यज्ञशाला के अंदर कहते हैं आनंद हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पृथु जी से भगवान कहे अरे पृथु जी आप जो चाहो मांग लो, जो आप मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, जो भी मांगोगे। कहते हैं पृथु जी की ना स्वर्ग चाहता हूं, पृथु कह रहे हैं ना पृथ्वी का सुख लेना है मेरे को और ना भोग भोगने हैं, आपसे प्रभु मैं इतना मांगता हूं, अगर आप देना चाहते हो तो मेरे 10,000 कान दे दो। कितने 10,000 कान मांग रहे हैं पृथु जी, कितनी बड़ी बात है, सुंदर बात, हम लोग दो कानों से सुनना नहीं चाहते, पृथु जी 10,000 कान मांग रहे हैं परमात्मा की कथा चर्चा और सत्संग सुनने के लिए। नारायण कहे प्रभु मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ, हमारी कृपा सदा ही आप पर बनी रहेगी, सदा ही इतना कहकर के भगवान वहां से चले जाते हैं।